जी, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है अपने वीडियो चैनल पर। ध्यान दीजिए, सभी विद्यार्थियों को बहुत ही कीन एक्टिवनेस के साथ देखना है। ओके, हाँ तो कहां चल रहे थे हम? आपका टेंस पास्ट कंटिन्यूअस समाप्त हो गया था, अब आते हैं आप पास्ट परफेक्ट पर। तो देखिए दोस्तों, पास्ट परफेक्ट पर टेंस आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस मींस होता है दोस्तों पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। यहां ध्यान देते दोस्तों, इसका मीनिंग्स होता है पूर्ण भूतकाल, इसकी एडवर्ब पर ध्यान दीजिए, एडवर्ब। पहली एडवर्ब है बाय देन, बाय देन तब से, मीनिंग्स होता है तब से, बाय देन मीनिंग्स होता है तब से। बाय यस्टरडे मीनिंग्स होता है तब तक, तब होता है इसका। वाई यस्टरडे मीनिंग्स होता है बीते कल तक, बीते कल तक, बीते कल तक। ध्यान दीजिए, यानी बीते समय से पहले यदि मैं बाई का प्रयोग करता हूं तो बाई का जो मीनिंग्स निकलता है वो निकलता है तक। एट के समय, इन के अवधि में, बाई तक, अबाउट लगभग, मतलब ये अर्थ देते हैं ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है। एक होता है टिल नाउ, अब तक, तो हाँ आप बना सकते हैं टिल देन तब तक, टिल देन तब तक। ओके, और देखिए बाई का लगना, बाय जनवरी 1950, एक ये बन गया आपका पहली एडवर्ब। और देखिए आपकी जो एडवर्ब है इस तरीके से बाय लगाकर, मतलब बीते समय से पहले आप बाय का प्रयोग कर सकते हैं, और बीते समय से पहले यदि आप बाय का प्रयोग करते जाएंगे तो आपका पास्ट परफेक्ट बनता जाएगा दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, हाँ जी, ये पहले प्रकार की एडवर्ब है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो एडवर्ब सेकंड जो बनाई जाती है वो आपकी कंजेक्शन बिफोर आफ्टर के द्वारा बनाई जाती है एडवर्ब, अनसन में, लेकिन वो एक सेंटेंस को जोड़कर एक एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है उसका, तो उस चीज को बाद में बताया जाएगा, पहले सबसे पहले इस पर ध्यान देना है। हाँ देखिए दोस्तों, यहां पर आप इसका फॉर्मूला, मीनिंग्स होता है, देखिए इसका फॉर्मूला, मीनिंग सूत्र, यहां पर ध्यान देना है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा आपका हेड, प्लस वर्ब थर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस, देखिए सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, माई माई फ्रेंड्स, My friends blank reached your office by then। एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, यहां पर आपने ध्यान दिया कि अराइव के साथ एट का प्रयोग किया जाता है जबकि रीच के साथ में एट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अराइव का मतलब पहुंचना होता है, रीच का मतलब पहुंचना होता है, लेकिन अराइव एट का प्रयोग कर सकता है, रीच एट का प्रयोग नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए यहां पर आप देखते हैं ये क्रिया मुझे करेक्ट फॉर्म में यूज करनी है, किसके अनुसार, समय के अनुसार। बाय देन जो एडवर्ब है वो आपकी पास्ट परफेक्ट की एडवर्ब है, तो क्रिया किसकी आएगी, पास्ट परफेक्ट की आएगी, अर्थात यहां पर
हेड प्लस वर्ब थर्ड हेड लिस्ट का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। ओके हाँ जी, तो ये चीज आपको बहुत बेहतर तरीके से समझनी और याद रखनी है। आगे ध्यान दीजिए, यहां पर बोथ ऑफ यू ब्लैंक कम टू मीट मी मेरे से मिलने के लिए आ गए थे बाय यस्टरडे। बीते कल तक आप मेरे से मिलने के लिए आ गए थे। तो ध्यान दीजिए, यहां पर बाय यस्टरडे जो एडवर्ब है वो आपकी पास्ट परफेक्ट की एडवर्ब है दोस्तों। तो क्रिया इसमें पास्ट परफेक्ट की यूज होगी, अर्थात यहां पर हेड कम का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि कम की तीनों फॉर्म सेम होती है, कम और केम और कम। ध्यान दीजिए, यहां पर मीनिंग्स होता है इसका आना, कम मीन्स आना, केम आया और कम आ चुका। ओके तो आय क्या आएगा, कम आए, दोनों क्या होती है, सेम होती है, कम कम, या सेकंड फॉर्म इसकी डिफरेंट होती है, ये केम होती है। ओके अगले पॉइंट पर आ जाइए आप, अगले पॉइंट को समझिए, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। हाँ जी, मैं आपको बता रहा था कि आप तीसरे प्रकार के एडवर्ब किस तरीके से बना सकते हैं, वो देखिए पैटर्न। वाई दैट टाइम द एग्जाम ब्लैंक स्टार्ट ऑल ऑफ यू ब्लैंक अराइव एट द एग्जाम सेंटर CNTR या CNTRE। यहां पर आप ध्यान देते हैं कि इसमें से किसी एक को कंप्लीट करते हैं, इसको स्टार्टेड वाई द टाइम द एग्जाम स्टार्टेड, एग्जाम के स्टार्ट होने तक, अर्थात यहां पर सीधे ही ये बाय जो है वो कौन से समय को बता रहा है, एग्जाम स्टार्ट होने के समय को बता रहा है, तो एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं कि उसके एग्जाम स्टार्ट होने तक ये पास्ट टाइम को बता देगा, लग बाय रहा है, बाय पास्ट टाइम से पहले लगता है तो पास्ट परफेक्ट बनता है दोस्तों। तो यहां पर आप ध्यान देते हैं कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। ओके हाँ दोस्तों, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, यहां पर क्या आएगा, हेड अराइव का प्रयोग किया जाएगा, हेड प्लस अराइव, हेड अराइव, हेड अराइव का इसमें प्रयोग किया जाएगा। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए आप यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, बीते समय में, ये बता दिया था और बता देते हैं, बीते समय में बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद में
आफ्टर के बाद में, बाद में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं ध्यान दीजिए, जैसे मैंने ट्रिक्स बताए थे यहां पर ध्यान दीजिए आपको। पहले ट्रिक्स सेंटेंस प्रारंभ बिफोर कंजंक्शन का प्रयोग बताया था, उसके बाद में सेंटेंस समाप्त। दूसरी ट्रिक्स पैटर्न्स में आपको बताया था आफ्टर कंजंक्शन का प्रयोग और सेंटेंस समाप्त। तीसरी ट्रिक्स पैटर्न्स में आपको ध्यान रखना है सेंटेंस प्रारंभ व्हेन कंजंक्शन का प्रयोग है व्हाइल, और यहां सेंटेंस समाप्त है, यहां पर ऑलरेडी का प्रयोग है और यहां सेंटेंस समाप्त है। ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं कि बिफोर का मीनिंग्स क्या होता है। पहले तो पहले परफेक्ट आएगा दोस्तों, यानी हेड प्लस वर्ब थर्ड आएगा। अब ये हेड प्लस वर्ब थर्ड कब आएगा, जब यहां वर्ब सेकंड दे रखी है। नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट, ओके। आफ्टर का मींस क्या होता है, बाद में। आफ्टर का मींस बाद में, तो बाद में परफेक्ट, यानी कि यहां हेड प्लस वर्ब थर्ड आएगा। यहां हेड प्लस वर्ब थर्ड है तो यहां पर वर्ब सेकंड, नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट आएगा। यहां ओके, यहां वर्ब सेकंड आएगी, यहां पर हेड प्लस वर्ब थर्ड आएगा। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे सेंटेंस में इसका प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए सेंटेंस में, सेंटेंस पर ध्यान देना है। सेंटेंस में इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है दोस्तों, देखिए पहला सेंटेंस, दे है, they go to the office before you inform me, inform me about it। अर्थात आपने मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म किया था, उससे पहले भी ऑफिस पहुंच गए थे। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि बिफोर का मीन्स होता है पहले, तो पहले परफेक्ट, बाद में सिंपल पास्ट देखा था, यहां पास्ट परफेक्ट आएगा दोस्तों। और पाथ फर्स्ट का मीन्स होगा हेड प्लस वर्ब थर्ड हेड गोन का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों यहां पर, ओके। यहां ध्यान दीजिए, अगला सेंटेंस, द पुलिस अराइव
arrive there after. पुलिस वहां बाद में पहुंची थी. द पुलिस अराइव देयर आफ्टर. पुलिस वहां बाद में पहुंची थी. द थीप यानी चोर. थीप यानी चोर. ब्लैंक फ्ली अवे. फ्ली अवे यानी चोर भाग गया था. उसके बाद में पुलिस वहां पर पहुंची थी. तो आप देखते हैं यहां पर पुलिस के बाद या वर्ब सेकंड जो है ये आपके सिंपल पास्ट को बता रही है. तो यहां पर आप ध्यान देते हैं यहां पर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाएगा. अर्थात यहां पर हेड प्लस वर्ब थर्ड फ्लीड का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों. ओके हाँ जी. एक सेंटेंस और ध्यान दीजिए आप वैन वाला. जैसे मैंने कहा वैन I wish my home she already she had comma hai she had already complete she had already completed her project यानी ऑलरेडी का मीनिंग होता है पहले ही. तो ऑलरेडी यानी उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था जब मैं मेरे घर पहुंचा था. तो आपने देखा कि यहां पर घर पहुंचने की स्थिति पास्ट में. यहां वर्ब सेकंड का प्रयोग है तो यहां पर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाएगा. अगर यहां पर वर्ब सेकंड नहीं वर्ब फर्स्ट होती तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता. यानी ऑलरेडी जो एडवर्ब है इसका प्रयोग तीनों टेंस में किया जाता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. अब ये देखना होता है कि एक तरफ कौन सा टेंस आया तो उसके अकॉर्डिंग इसको लगाया जाएगा. यानी सिंपल प्रेजेंट है प्रेजेंट परफेक्ट. सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाएगा. जबकि सिंपल प्रेजेंट में आपके साथ फ्यूचर परफेक्ट का भी प्रयोग कर देते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट भी आ सकता है. ओके तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. अब आ जाइए आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स होता है अपूर्ण भूतकाल. अपूर्ण भूतकाल यहां पर आप ध्यान देते हैं एडवर्ब सिंस या फोर सिंस या फोर प्लस पास्ट टाइम. जैसे देखिए सबसे पहले सर्वप्रथम सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है. पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय बिंदु. निश्चित समय बिंदु यानी कि सिंस
मॉर्निंग यस्टरडे मॉर्निंग यस्टरडे सिंस जनवरी 1935 सिंस इवनिंग लास्ट डे सिंस द लास्ट संडे इस तरीके से। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि से समय की अवधि से समय की अवधि से समय की अवधि से इसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना है, फोर का प्रयोग किया जाता है। समय की अवधि से यदि कोई चीज दर्शाई जाती है तो वहां पर दोस्तों ध्यान रखना है, फोर का प्रयोग करते हैं। ओके देखिए, फोर टू इयर्स यानी टू डेज की, टू डेज डेज से बन गए मंथ, फोर फाइव मंथ्स। ओके फोर ए ईयर आगो और ध्यान दीजिए, फोर फोर द लास्ट फाइव वीक्स इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये सभी एडवर्ब जो है वो आपकी फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताती है, और भी काफी एडवर्ब आप फोर से इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखिए अभी सेंटेंस में आपको बनवाऊंगा, ध्यान ध्यान देना है। इसका फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है। ओके उसके बाद आपका आएगा यहां पर हेडविंग प्लस बाद फर्स्ट में आईएनजी, उसके बाद आएगा दोस्तों यहां ऑब्जेक्ट। ठीक है ध्यान दीजिए, माय पेरेंट्स ब्लैंक गिव दिस एडवाइस टू यू सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। ओके एक सेंटेंस और देखिए, हाँ माय डियर स्टूडेंट एक अपनी एक्टिवनेस को बनाए रखें, ध्यान दें।
अगला सेंटेंस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू बिलोंग केरल, विद वन अनदर, फोर फोर द लास्ट टू डेज। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, जैसे मुझे क्रिया करेक्ट फॉर्म भरनी है तो आप देखते हैं यहां पर सिंस मॉर्निंग यस्टरडे जो एडवर्ब है ये आपकी पास्ट परफेक्ट की है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है। इसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी भर सकते हैं। वो कैसे? माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता हैव बीन गिविंग, दे रहे हैं दिस एडवाइस, ये सलाह दे रहे हैं टू यू, आपको दे रहे हैं सिंस मॉर्निंग यस्टरडे, बीते कल की मॉर्निंग से आपको ये सलाह दे रहे हैं मेरे माता पिता, तो ये गलत नहीं है, सही है। एक चीज इसमें ध्यान रखने, केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दो का ही इसमें प्रयोग किया जा सकता है। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखने, पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। कारण ये है कि सिंस की जगह इन द मॉर्निंग होता तो यहां पर पास्ट कंटिन्यूस आ जाता, तो यहां पर क्या आएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि सिंस का प्रयोग किया। सिंस के प्रयोग से ही आपको ये पता चल रहा है कि वो पास्ट कंटिन्यूअस को नहीं पूछ रहा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं यहां पर हैड बीन गिविंग का प्रयोग किया जाएगा, हैड बीन गिविंग, और यहां पर आप पढ़ सकते हैं हैव बीन गिविंग, इन दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, बट कंटिन्यूअस का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते। सिंपल या कंटिन्यूअस दोनों में किसी का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि सेंस आ रहा है। आप यदि सिंपल ही पूछना होता तो इनका प्रयोग करता है सीधे ही, तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। ऑल ऑफ यू, तुम सभी क्वेरिंग विद वन अनदर, यानी एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हो। अब बहुत ज्यादा है, दो से अधिक है, तो यहां पर ध्यान रखना है वन अनदर आता है। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखना है वहां पर आपका ई सदर आता है, वन अनोदर, वन अनोदर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, क्विरल कर रहे हैं, मतलब झगड़ रहे, है ना। क्विरल सम वर्ड का अर्थ होता है झगड़ालू, क्विरलिंग का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, और क्विरल वर्ब है इसका मतलब होता है लड़ाई करना यानी झगड़ा करना। तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा आपका, हैड बीन क्विरलिंग या हैव बीन क्विरलिंग, इन दोनों में से किसी का प्रयोग किया सकता है, यहां पर आपका हैव बीन क्विरलिंग भी आ सकता है। बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये चीज स्टॉप है बस, इस चीज का ध्यान रखना। एक तो ये पैटर्न्स, अब देखिए पास्ट केवल पास्ट ही कब होगा, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए ओनली, वो कब होगा उस चीज पर ध्यान दीजिए। अगर स्थिति ऐसे फंस जाती तो यहां तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों है, वहां केवल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा। जैसे देखिए एक मैं कहता हूं यहां सेंटेंस, व्हेन आई वांट there, जब मैं वहां गया, they blank water in their plants, वे पौधों में क्या दे रहे थे, पानी दे रहे थे। जब मैं वहां गया तो
तो पौधों को पानी दे रहे थे। अब ये देखिए एक चीज में ध्यान रखनी है कि जब यहां पार्ट आ चुका है, ये घटना पार्ट टू हुई थी, तो मतलब जब मैं वहां गया था तो वो पानी दे रहे थे, तो यहां पास्ट है तो यहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आ सकता है। यहां आप ओनली जैसे आप एडवर्ब का संकेत और आपने कह दिया यहां सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब इसमें यहां पर कोई ऐसा संकेत नहीं दिया गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है, वर्स्ट यहां से पास्ट बन रहा है, तो यहां से परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां से पास्ट बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्रिया किसमें आएगी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगी दोस्तों। तो यहां पर आ जाएगा हैड बीन वाटरिंग। ओके, इसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। अगला सेंटेंस, एक सेंटेंस और इस पर ध्यान रखना है, देखो कैसे। एक मैंने इस तरीके से बोल दिया सेंटेंस, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड टोल्ड टोल्ड मी दैट, ये आपके स्पीच का सेंटेंस है। यहां पर आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जब आपकी पास्ट टेंस में दी गई है, तो यहां आगे जो सेंटेंस जो लिखा जाएगा, जैसे देखिए सी ब्लैंक रीड दिस स्टोरी फोर टू आवर्स। अब यहां पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है, लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर ये पास्ट आ चुका है, जब यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दे दी गई है, तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो वैसे ही नहीं बच सकता, क्योंकि उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो यहां पर सीधे क्या जाएगा? हैड बीन रीडिंग का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना है, और इसमें कोई विशेष परिवर्तन आपका नहीं है दोस्तों, इस चीज पर विशेष ध्यान रखना है, इसमें कोई ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं है, ये छोटी मोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना है बस। अब आ जाइए आप सिंपल फ्यूचर पर। ओके, हाँ जी, एक सेंटेंस और, एक इस पर और ध्यान दो, तब आपके सिंपल फ्यूचर पर। अगर स्थिति ऐसे भी आ जाती है तो क्या करेंगे? जैसे आपके सेंटेंस ये दे दिया, सी सी ब्लैंक राइट राइट दिस स्टोरी फोर टू आवर्स। फोर टू आवर्स बिफोर बिफोर आई केम देयर, आई केम देयर, कहने का तात्पर्य यह हुआ वह दो घंटे पहले से इस कहानी को लिख रही थी, या दो घंटे पहले से इस पहले से कार्य कर रही थी, ऐसे नहीं से कार्य कर चुकी थी, दो घंटे पहले से कार्य इस कहानी को लिख चुकी थी, मैं आया, तो यहां पर ये ऑटोमेटिकली किसको दर्शाएगा? कंटिन्यूअस को दर्शाएगा दोस्तों। तो इस चीज का ध्यान रखना है, यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, यहां से परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये दोनों से मिला के बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? यहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाएगा। तो यह बताइए क्या आएगा दोस्तों? यहां पर हैड बीन राइटिंग का प्रयोग किया जाएगा। ये हैड बीन राइटिंग का प्रयोग किया जाएगा। तो इस चीज पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको जैसे कि यहां पर स्पीच का नियम लग रहा है, इसमें स्पीच का नियम है, इसमें मैंने आपको बताया था कि बिफोर आफ्टर से, बिफोर और आफ्टर से पहले परफेक्ट का प्रयोग किया था, लेकिन यदि सिंस फोर का प्रयोग कर दिया तो परफेक्ट नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। इस चीज पर आप ये छोटी छोटी बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है दोस्तों। ओके, अब डाल लीजिए आप सिंपल फ्यूचर टेंस।
सिंपल फ्यूचर मीन्स होता है साधारण भविष्य काल, साधारण भविष्य काल। ध्यान दीजिए यहां पर इसकी एडवर्ब पर साधारण भविष्य काल की एडवर्ब, पहली एडवर्ब है दोस्तों यहां इसकी टुमारो, टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। देखिए एक चीज आपको इसमें विशेष बता देते हैं, इसको अपन टुमारो बोलते हैं लेकिन अगर इसको वास्तविक प्रोनाउंसिएशन निकाला जाए, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है। देखो ये स्पेलिंग होती है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन ये होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है इसको कहते हैं उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबलाइजेशन के अकॉर्डिंग, ओके। यानी स्पीच, कोई भी स्पीच साउंड होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन सिंबलाइजेशन के अकॉर्डिंग किया जाना प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ध्यान दीजिए यहां पर इसको देखो टुमारो तो हम बोलते हैं, इसका शुद्ध जो प्रोनाउंसिएशन वो निकलता है टमारो, इसको शुद्ध टमारो बोला जाता है, ओके। जैसे उसको टूडे बोलते हैं एक अपन कोई दिक्कत नहीं है वो तो बोलने का है, लेकिन उसको शुद्ध बोला जाता है टडे। तो ये जो वर्ड है ये थोड़े क्या है हास्यप्रद है ना, तो इन पर थोड़ा ध्यान रखना है। अगला जो है टुमारो को अपन किस में बदलते हैं, फॉलोविंग डे में बदलते हैं दोस्तों। तो फॉलोविंग डे का मतलब भी वही होता है, किसी आदमी को हम फॉलो कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं, क्या आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो फॉलोविंग डे है वो होता है अगला दिन, अगला दिन फॉलोविंग डे। और प्री का मतलब पहले, तो प्रीवियस डे जो होता है दोस्तों वो पिछला दिन होता है, फॉलोविंग डे जो होता है दोस्तों वो अगला दिन होता है, इसको हम नेक्स्ट डे भी कह सकते हैं, नेक्स्ट डे, ओके। इसका मीनिंग्स भी वही होता है अगला दिन। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कमिंग डे, कमिंग डे आने वाला दिन। तो कमिंग डे जो होगा, कमिंग डे जो होगा वो आने वाला दिन जो होगा वो भी टुमारो होगा दोस्तों, तो हम इसको कमिंग डे भी बोल सकते हैं। देखो टुमारो का मीन्स आने वाला कल, फॉलोइंग डे का मीन्स भी आने वाला कल ही होता है, नेक्स्ट डे भी आने वाला कल ही होता है, और कमिंग डे भी आने वाला कल भी होता है, ओके। तो इस चीज पर ध्यान रखना। और इसकी एडवर्ब देखिए इन जनवरी, आप कह सकते हैं 2025 यानी 2025 जो है आपके यहां पर, ये भी किसको दर्शाएगा, सिंपल फ्यूचर को दर्शाएगा दोस्तों। और ध्यान दीजिए और भी कह सकते हैं आप इससे, इस प्रकार से काफी एडवर्ब बना सकते हैं, इन वन फ्यूचर डेज ऐसी बोल सकते हैं। फ्यूचर डेज ये भी इसके एडवर्ब है। आप देखिए इसका फॉर्मूला दोस्तों, इसका फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट भी आता है, उसके बाद देखिए दोस्तों सेल या बिल, क्या उसके बाद वर्ब फर्स्ट आएगा और उसके बाद आएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट, ओके। इस चीज पर ध्यान रखना है। तो इसके सभी जो सेंटेंस हैं दोस्तों उन पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए अगला सेंटेंस, सेंटेंस देखिए, सी ब्लैंक कम कम टू मीट मी
मीट मी इन द कॉलेज। कॉलेज का प्रयोग यदि पढ़ाई के लिए कहता है तो इससे पहले कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करते। व्हाट अनदर पर्पज के लिए कहता है तो इससे पहले द आर्टिकल यूज करते हैं दोस्तों, इसलिए कॉलेज से पहले यहां पर द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। टुमारो यानी वह मेरी से मिलने कॉलेज में टुमारो को आएगी। तो आप ध्यान दीजिए यहां पर आई और बी कर्ता के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आई और बी दो सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ में ध्यान रखना है सेल आता है और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, जबकि मॉडल में ये विपरीत हो जाता है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर दोस्तों इसके साथ में विल का प्रयोग किया जाएगा, विल कम I blank start this project in January 2025 मैं इस प्रोजेक्ट को जनवरी 2025 में स्टार्ट करूंगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर सेल स्टार्टिंग का प्रयोग किया जाएगा। ओके हाँ, तो ध्यान दीजिए इस तरीके से इसमें सेंटेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहां पर ध्यान देते हैं, अगला पॉइंट जो है वो अगली आपकी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बताया जाएगा दोस्तों। Thanks.